अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई जिसका नाम है मिक्स वेजिटेबल। जी हाँ, आज हम आपको मिक्स वेजिटेबल बनाने का तरीका बताते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलिए जी, अब हम मिक्स वेजिटेबल बनाते हैं। जी मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, गाजर, मटर और आलू, इनकी क्वांटिटी 1/2 kg है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जी हम अब एक पतीली लेंगे और उसमें हम 1/2 cup ऑयल डालेंगे और 2-3 सेकंड के लिए ऑयल को हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसमें अनियन डालेंगे। जी यहाँ पे हमारा ऑयल बिल्कुल गरम हो चुका है। हमने इसके अंदर 2 बड़े प्याज ऐड कर दिए हैं और हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करेंगे। ये देखिए अनियन का कलर चेंज होना शुरू हो गया, लेकिन अभी हम इसको 5 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन शेप में आ जाए। जी यहाँ पे हमारे अनियन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसको 1-2 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे अनियन के साथ। फ्राई करने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसको भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 2.5 टीस्पून नमक है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च है, 1/4 हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर। जी अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड कर देंगे। को अच्छी तरह पकाएंगे, उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। जी यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मटर को ऐड करने के बाद हमें इसको कम से कम 5 मिनट मसाले में और ऑयल में फ्राई करना है। इसके बाद हम आपको मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए मटर को 5 मिनट हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें गाजर को ऐड कर देंगे। जी हम इस दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद 5 मिनट हम गाजर को भी पकाएंगे। अब हम 5 मिनट इसको पकने के लिए रख देते हैं।
जी यहाँ पे हमने आलू भी इसके अंदर ऐड कर दिए थे और अब हमारी वेजिटेबल भी ऑलमोस्ट पक चुकी हैं। हाँ जी यहाँ पे हमारी रेसिपी मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी है, वो हमने इसके खुशक होने का वेट करना है। तेज़ आंच पे हम इसका पानी खुशक करेंगे और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी ये देखें इसका पानी भी खुशक हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखें मिक्स वेजिटेबल को हमने डिश आउट कर लिया है। हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। जी अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप भी मेरी इस रेसिपी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। No.